साड़ी गौचर भूमि जिहड़ी है तुसीं देखिया होगा अंग्रेजां दे टाइम तो 5% जिहड़ी भूमि है गौचर भूमि मन्नी जांदी है। वो एमी एज इट इज लॉ चलदा आ, पर पिछले काफ़ी समय तो असीं देखिया जिहड़े भू माफिया हैगे लैंड माफिया हैगे इन्हां ने वह भूमि ते कब्जा कर लिया ते गौआं लई जिहड़ी गौचर भूमि है वह दब लई। साडा काओ सेस जिहड़ा हैगा काओ सेस 540 करोड़ रुपया पिया होया, वह 540 करोड़ चो रुपया भी अज तक रिलीज़ नहीं होया। अगर आप 2016 तो लैके 2019 तक की गल करते हैं जो चलानी है इसमें जो हमने मुख्य 7 मांगे रखनी है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। उसका जो स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट है वो यही है कि काओसेस और भू माफियाओं से जो गौचर जमीन है जो गौचर जमीन है उसको छुड़वाना। खबर लुधियाने तो ताजपुर रोड ते शिवसेना हिंद ने कीती पत्रकार वार्ता, कहा हिंदू चेतना मुहिम तहत है 7 मंगा। लुधियाना दे ताजपुर रोड ते शिवसेना हिंद दे नेता परमिंदर पट्टी वालों प्रेस वार्ता कीती गई। इस दौरान ओना ने कहा हिंदू चेतना मुहिम दिया 7 मंगा ने जिन्हां नूं लैके ओह डिप्टी कमिश्नर तो इलावा सरकारे दरबारे तक एह मंगा लैके जाणगे, जिस विच ओना ने आओ अशेष दे बकाया राशि अते हिंदुआं ते विवादित फिल्म बनाउण अते हिंदू सिख भाईचारे नूं लड़ाउण दे तहत कई मुकदमे ने। इस मौके ते परमिंदर पट्टी ने कहा कि ओह तमाम शिव सेना दे आगू नू अपील करदे ने कि सनातन धर्म नू बचाउण लई सब नू इकजुट होण दी जरूरत है। इस तों इलावा उन्हां ने जिथे मंगा दा जिक्र कीता उथे ही कहा कि इस नू इंप्लीमेंट करन लई ओह डिप्टी कमिश्नर अते सरकार दे कोल भी अपने वक्त दे नाल पहुंच करनगे। इस तों इलावा उन्हां हिंदू सिख भाईचारे नूं टाव लाउण वाले हिंदू नेतावां नूं चेतावनी दित्ती है ते कहा कि अजिही नारेबाजी ना कीती जावे जिस नाल पंजाब दा माहौल खराब होवे। जय हिंद जय भारत। अज मैं परविंदर पट्टी मेरे नाल मेरे वीर मुकेश खुराना जी चौहान साहब एडवोकेट केतन शर्मा जी अज असी जिहड़ा मुद्दे की गल करन जा रहे हैं वो मुद्दा पंजाब दे हिंदुओं का बहुत पुराने समय तो है। वो 7 मंगा ने साड़िया अज सरकारां आईयां सरकारां गईयां सरकारां ने वादे भी किए पर किसी भी सरकार ने अज तक वो मंगा साड़िया पूरियां नहीं कीतियां। उहदे लई असीं अज हिंदू चेतना मुहिम चलाई है। हिंदू चेतना मुहिम की जिहड़ी पहली मीटिंग मोहाली च हुई तो दूसरी अज लुधियाने ऐ करदे करदे पूरे पंजाब दे विच इह मीटिंग होएगी। उस तो बाद जिन्हें भी डीसी साहबान ने उन्हां दे नाम उन्हां नूं असीं सरदार भगवंत सिंह मान दे नाम एक असीं लैटर मुख्यमंत्री साहब दे लई दवांगे जिहदे लई समां मंगिया जाएगा कि साडियां मंगां सुनिया जाण। सब तो अहम इशू हैगा जिहड़ा साडी गौचर भूमि, साडी गौचर भूमि जिहड़ी है तुसीं देखिया होगा अंग्रेजां दे टाइम तो 5% जिहड़ी भूमि है गौचर भूमि मन्नी जाती है। वह एमी एज इट इज़ लॉ चलता आ, पर पिछले काफ़ी समय तो असीं देखिया जिहड़े भू माफिया हैगे लैंड माफिया हैगे इन्हां ने वह भूमि ते कब्जा कर लिया तो गौआं लई जिहड़ी गौचर भूमि है वह दब लई। उन्हूं असीं आज़ाद करवाउण लई मुहिम छेड़ी है। उस तो बाद दूसरा मुद्दा साडा हैगा काओसेस। असी अगर पुराने अंकड़े की गल करिए 2017 तो लैके 2016 तो लैके 2019 तक दे अगर आप गल करिए सरकार कोल साडा हिंदुओं का साडा काओसेस जिहड़ा हैगा काओसेस 540 करोड़ रुपया पिया होया, वो 540 करोड़ चो रुपया भी अज तक रिलीज़ नहीं होया। अगर आप 2016 तो लैके 2019 तक की गल करते हैं तो अज तक देख लो किन्ना वो बन चुके होना। असी सरकार तो मंग करांगे कि साडा काओसेस साडा रिलीज़ किया जाए ता कि जिहड़ी गौ माता साडी सड़कां ते रुल रही है उन्हूं सही परवरिश सही देखभाल उन्हें मिल सके गौ माता। पर पट्टी साहब जो गौशालावां बनिया हुई ने उत्थे भी काफ़ी पैसा इकट्ठा होंदा की लगता तो कि उसकी भी जांच होनी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गल कही। गौशाला अगर गल करिए 100 गौशाला ने उदे विचों 5 या 10 गौशाला ऐसिया होणगियां जिहड़ियां वाकई सेवा भाव नाल काम कर रही हैं, नहीं तो असी ऐसिया भी गौशाला चौहान साहब नाल गल हो रही थी एडवोकेट साहब नाल गल हो रही थी असी ऐसी भी गौशाला देखियां जिदे विच सिर्फ और सिर्फ दुधारू गौं है। उन्हां अगर आप गऊ सेवा कोई फड़ते हैं गऊ गऊं ट्रक फड़ते हैं तस्करों तो आजाद कराते हैं वह गौशाला असी दे के आज आते हैं ट्रक तो वह शाम को उसी शाम को गऊं फिर रोड पर घूमदियाँ। वह गौशाला की असी तुहाडे मीडिया राही कहना चाहवांगे। एडवोकेट साहब ने एक पैनल भी तैयार किया, एक एडवोकेट साहब ने एप्लीकेशन भी पाई हुई है कि अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तुहाडे कोल जिहड़ा गऊं इस तरीके दुरव्यहार करता है तो उसकी कंप्लेंट या वीडियो साडे तक पहुंचाओ तो बनती कानूनी कार्रवाई एडवोकेट साहब को कराई जाएगी। सॉरी बाईपास से ही ज्यादातर तो भी गौं रोड पर होंगे। इहदे लई बहुत पुराने बहुत पहला टाइम तो पिछले 2 साल तो असी एक संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी जल्द उस संघर्ष को एक रूप दे के गौं एक रूप दे के गौं की देखभाल के लिए
एडवोकेट केतन के जी केतन अपने शर्मा जी जिहड़े आ इह काफ़ी टाइम तो उहदे लई काम कर रहे आ कानून दे तरीके नाल ते उहदे लई असीं बहुत अच्छा संघर्ष असीं करन जा रहे हैं ते उहदे तुहानूं असीं बाद भी दस्सांगे उहदे लई असीं की सोचा ते की अच्छा हो सकता है। होर केड़े-केड़े इशूज़ जिवें तुसीं देखिया कि पंजाब दे विच दंगे हुंदे आ पंजाब दे विच राइट हुंदे आ असीं पंजाब दे विच अतवाद बहुत भोगिया अतवाद दे दौरान पंजाब पूरा सुल गया ते उहदे विच पुलिस दे बंदे आर्मी दे पैरामिलिट्री फोर्स दे हिंदू सिख भाई उहदे विच मारे गए आ। असी सरकार तो मंग करते हैं अज तक इन्हों नू किसे नू भी बनता मुआवजा नहीं मिलिया। अग ये लोग जिहड़े अतवाद के दौरान मारे गए चाहे वह हिंदू सिख पुलिस के बंदे है चाहे वह पैरामिलिट्री फोर्स है चाहे आर्मी के बंदे उन्होंने दंगा पीड़ित का दर्जा दिता जाए जो दंगा पीड़ितों सुविधा दिखाई जाती है वह सुविधा इन्हों भी मिलनी चाहिए है। उस तो बाद होर जिहड़े मुद्दे है तुम देखिया होना फिल्मों के अजक एक नवा ही ट्रेंड चल पाया अगर तुम फिल्म को हिट करवाना है तो एक तुसीं एक धर्म नूं टारगेट कर लें ज़्यादातर देखिया होना तुसीं अज दी रेट दे विच हिंदू धर्म नूं टारगेट किया जाता है और टारगेट की किया जाता है पंडित जी की ड्रैस पवा के बंदा बिठाता उहदे उल्टे पुल्टे मंत्र पवाते मुड़ के साढ़े हिंदू संगठन उहदा रोश करन लग पे पर वह बार बार हुंदा है और रोश का कोई इन्हां दे कन्न ते जूं नहीं सरक रही। असीं सरकार तो मंग कीती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए अगर किसी भी धर्म का चाहे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई किसी भी धर्म का अगर मजाक उड़ाया जाता है उहदे प्रोडक्शन हाउस नूं बैन किया जाए उहदे बनदी सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी मंग उस तो बाद एक असी सनातन कमेटी की एक मंग की है भी सनातन एक ऐसी धर्म की साडे दी कमेटी बनाई जाए गठन किया जाए सनातन बोर्ड का एक ऐसा गठन किया जाए जिहड़ा सुनिश्चित करे कि किसी भी धर्म का उस सीन दे करके उस डायलॉग करके अपमान नहीं हो रहा वो सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। भाई जी सब तो पहला तुहाडा नाम? मेरा नाम एडवोकेट केतन शर्मा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जी। सर किस तरीके ना देखते हो लगातार जो हिंदू धर्म की गल आए तो हूँ गावों की भी गल की है कि उन्होंने भी जो काउ असैस है वह भी नहीं मिल रहा पर दूसरे पास इन्हों की सामभ संभाल तो कई अजिहे मुद्दे ने जोड़े हिंदू धर्म लैके लगातार चुकता रहा। देखिए काउ असैस का मुद्दा अभी जो हमारे परविंदर भट्टी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि काउ असैस रिलीज़ करवाना है उसकी एक कानूनी लड़ाई भी है जिसकी तैयारी मेरे पैनल ने शुरू कर दी है। साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हमने जो ये हिंदू चेतना मुहिम जो चलानी है इसमें जो हमने मुख्य सात मांगे रखनी है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। उसका जो स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट है वो यही है कि काउसेस और भू माफियाओं से जो गौचर ज़मीन है जो गोचर ज़मीन है उसको छुड़वाना। अगर तो सरकार हमने सारे डीसी साहिबान को जो मेमोरेंडम देने आने वाले टाइम में जो है मुहिम हम शुरुआत करने जा रहे हैं अलग अलग शहरों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद हम डीसी साहिबान को मेमोरेंडम देंगे जिसमें ये बात रखी जाएगी कि जो ये हम सारी हमारी सात मांगे हैं इसको पूरा करा जाए अदरवाइज़ हम मोहाली से लेके सीएम साहब तक की कोठी तक अपनी गुहार लेके जाएंगे। लुधियाने तो कमल कपूर अते जोगिंदर कंबोज की रिपोर्ट।